हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी सीन को देखते हैं जहां डोही गुओन के पास जाकर उससे कहती है मुझसे शादी करोगे और वो रिंग निकाल कर देती है। वहीं सभी लोग ये सुनकर शॉक होते हैं और सभी लोग गुओन के आंसर का ही वेट कर रहे थे। तब गुओन शादी करने के लिए मना कर देता है जिससे डोही बहुत एम्बेरस होती है। वहीं श्योखुन उसके पास जाता है लेकिन डोही उसे कुछ भी कहने से मना करती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब गुओन भी उसके पीछे जाने लगता है। तब डोही गुओन से कहती है तुम अभी मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तब गुओन कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम को अलग अलग रखता हूँ। उसके बाद हम सोयन के बेटे ऑस्टिन और जस्टिन को देखते हैं। वो दोनों वाइन की बोतल लेकर मैडम जू के ऑफिस में जाते हैं। तभी वहाँ किसी को आते सुनकर वो दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहीं वहाँ सोयन, श्योकमिन और उसकी वाइफ आती है। वहीं सोयन बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है मॉम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो सब कुछ डोही को कैसे दे सकती है, क्या हम लीगली एक्शन लें इसके खिलाफ। तब श्योकमिन कहता है हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉम ने हमारा शेयर हमें दिया है। तब सोयन गुस्से से जाकर मैडम जू के शेयर में बैठती है। वहीं जब वो टेबल के नीचे ऑस्टिन और जस्टिन को देखती है तब वो चिल्लाती है। तब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और सोयन भी उनके पीछे चली जाती है। वहीं श्योकमिन यहाँ 12 साल पहले का एक सीन याद करता है जहाँ श्योकमिन से एक कार एक्सीडेंट हो गया होता है जिससे मैडम जू उसे डांट रही होती है और कहती है मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। और इसके वजह से श्योकमिन आज भी मैडम जू से गुस्सा था। उसके बाद हम डोक्यूंग को देखते हैं। वो मैडम जू के गार्डन में स्मोकिंग कर रहा होता है। उसके बाद हम डोही और गुओन को गाड़ी में देखते हैं जहाँ डोही बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। वहीं गुओन उससे पूछता है तुम आज पीछे क्यों बैठी हो। तब डोही कहती है मेरा सीट हमेशा से ही पीछे था। और वो कहती है मैं कल रात को अच्छे से नहीं सोई थी इसलिए मैंने आज कुछ भी कह दिया। मैंने जो कुछ भी आज कहा था तुम उस बात को सीरियसली मत लेना। और वो गुओन को अच्छा सा गाना लगाने कहती है। तब गुओन जो भी गाना लगाता है वो वेडिंग पर ही होता है जिससे डोही गुओन को गाना बंद करने कहती है। वहीं डोही गाड़ी में ही सो गई होती है और गुओन पार्किंग लॉट में पहुंच गया होता है जिससे वो डोही को उठाने के लिए जोर से ब्रेक लगाता है जिससे डोही उठ जाती है और वो गुस्से से वहाँ से घर चली जाती है। वहीं गुओन देखता है डोही मैडम जू के लेटर को गाड़ी में ही भूल कर गई है जिससे वो लेटर देने चाहता है। वहीं डोही घर के अंदर चली गई होती है और वो गुस्से में होती है और गुओन को गाली दे रही होती है। वहीं गुओन भी बाहर होता है और वो सुन लेता है और वो डोही को गुस्से में देखकर वहां से लेटर दिए बिना ही चला जाता है। उसके बाद डोही का घर का बेल बजता है। डोही को लगता है कि गुओन आया है लेकिन वहां श्योखुन आया होता है। उसके बाद हम डोही और श्योखुन को अंदर देखते हैं जहां श्योखुन कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने पहले आंटी जू को ऑडिट के लिए मार डाला और अब वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तब डोही कहती है मुझे पता लगाना ही होगा इसके पीछे कौन है, इसके लिए मुझे चेयरवुमन बनना ही होगा। तब श्योखुन कहता है तुम्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए, यह बहुत डेंजर है। और श्योखुन उसे गुओन के बारे में पूछता है तुम उसे ब्लाइंड डेट में बस एक बार मिली थी, तुम उसे शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकती हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तब डोही कहती है ये बात नहीं है, मैं बस उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ रखना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे कई बार बचाया है। उसके बाद हम गुओन और बोग्यू को देखते हैं जहाँ गुओन उसे बताता है कि डोही ने उसे प्रपोज किया था। ये
सुनकर बोग्यो शॉक होता है और वो कहता है, ये तो बिल्कुल मूवी के जैसा है। और वो बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने लगता है। इससे गुओन को और भी गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने कहता है। उसके बाद हम श्योखुन को देखते हैं, वो दोही से उसके घर में ही रहूँगा कहता है। तब दोही उसे मना करती है और चिंता करने के लिए मना करके वहाँ से उसे भेज देती है। उसके बाद जब दोही अपना मोबाइल देखती है तब वो देखती है ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आए हैं। उसका गुओन को प्रपोज करने वाला बात वायरल हो गया होता है। ये देखकर दोही परेशान हो जाती है। उसके बाद हम गुओन और बोग्यू को ऑफिस में देखते हैं। तभी गायोंग आती है तलवार के साथ। वहीं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसने भी दोही का गुओन को प्रपोज करने वाला न्यूज़ देख लिया होता है। तभी गुओन को दोही का कॉल आता है और दोही कहती है, मुझे अभी तुमसे मिलना है। उसके बाद गुओन दोही से मिलने जाता है जहाँ दोही उसे वो न्यूज़ दिखाकर कहती है, तुमने मुझे क्यों सबके सामने रिजेक्ट किया? इससे मेरा रेपुटेशन ख़राब हो गया। मुझे पता है कि मैंने ये गलती से कह दिया था, लेकिन तब भी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब गुओन कहता है, मैंने सिंगल रहने का ही प्लानिंग किया है। तब दोही कहती है, मैंने भी किया है, लेकिन अभी ये बात सबको पता चल गया है, मैं कितने एम्बेरस्ड हूँ। तब गुओन कहता है, तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुमसे शादी करना चाहता हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तब दोही भी गुस्से से कहती है, तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के होने से भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तब गुओन उससे कहता है, तुम मेरे साथ चलो वरना फिर से किसी ने तुम पर अटैक कर दिया तो। तब दोही गुओन के साथ गाड़ी में जाती है। वहीं दोही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो गाड़ी में ही सो जाती है। तब गुओन छुप कर दोही के बैग में मैडम झू के लेटर को रख देता है और वो दोही को उठाने के लिए गुओन फिर से जोर से ब्रेक मारता है जिससे दोही जग जाती है। उसके बाद गुओन दोही को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने जाता है और उससे कहता है, जरूरत पड़ने से मुझे कॉल करना। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोही अंदर जाकर पहले गुओन को अपने इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करती है और बाद में वो मैडम झू के लेटर को पढ़ती है जो पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं दोही ने मैडम झू के बॉडी के एटॉप्सी के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए मैडम झू के फैमिली का साइन चाहिए होता है और कोई भी इसके लिए नहीं मानता है। उल्टा सोयन दोही को ही थप्पड़ मारती है। उसके बाद हम देखते हैं मैडम झू का फ्यूनरल हो जाता है। वहीं हम साइड वाले हॉल में उसी बॉस के आदमी को देखते हैं। वो लोग भी अपने बॉस के फ्यूनरल कर रहे होते हैं और मेन आदमी बहुत रो रहा होता है। यहाँ तक कि बॉस का डॉग भी रो रहा था। और वो आदमी अपने बॉस के फोटो को देखकर कहता है, आपको जिसने मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम गुओन के पास का सीन देखते हैं जहां वो इंसान होता है और सभी लोग उसे यंग मास्टर कहकर बुला रहे होते हैं और उसका बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं ये गुओन का सपना होता है। तभी वहां बोग्यो आता है। तब गुओन उससे कहता है, मैं इंसान होने का मेमोरीज फिर से देखने लगा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ना ही अपने फैमिली का नाम पता चला है ना ही अपना। तब बोग्यो कहता है, तुम्हें अचानक से 200 साल पहले का मेमोरीज क्यों देखने लगा है? शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम अपने पावर के बिना कुछ नहीं हो, यानी इंसान हो। तब तो अब तुम भी मेरे तरह बूढ़े होंगे। तभी ये सुनकर गुओन तो टेंशन में ही आ जाता है और वो दोही से मिलने के लिए कहता है। उसके बाद हम दोही और गुओन को देखते हैं जहाँ गुओन दोही से उसका टैटू वाला हाथ मांगता है, लेकिन दोही उसे अपना हाथ नहीं देती है और कहती है, तुम पब्लिक जगह में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तब गुओन कहता है, अपने पावर के बिना मैं बूढ़ा होऊंगा क्योंकि मैं भी अभी इंसान हूँ। तब तो दोही उसे और हाथ अपना नहीं देती है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ दोही सिंदा से मिलकर उससे कहती है, मैडम चू ने मेरा जिसके साथ ब्लाइंडेड फिक्स किया था, तुम फिर से मेरा उसके साथ ब्लाइंडेड फिक्स करो। तब सिंदा ओके कहती है और वो कहती है, आपने जो मुझे सीसीटीवी फुटेज लाने कहा था वो मुझे मिल गया है।
उसके बाद दो ही गुओन के साथ मिलकर उसी सीसीटीवी फुटेज को देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता है। तब गुओन कहता है, मैं अपने पावर से उसे ढूंढ सकता हूँ, और गुओन दोही का हाथ पकड़ लेता है। तब वो दोनों स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। वहीं स्टोर रूम के बाहर तीन एम्प्लॉय दोही और गुओन की डेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो दोही सुन लेती है। तभी दोही का हाथ किसी स्विच से लग जाता है, जिससे आवाज़ होती है जो वो एम्प्लॉय सुन लेते हैं। तब वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ दोही और गुओन नहीं होते हैं, क्योंकि गुओन ने पावर यूज़ कर लिया था, जिससे वो दोनों बाहर पहुँच गए होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिससे दोही गुओन को धक्का देती है। वहीं गुओन दोही का हाथ फिर से पकड़ने जाता है, तब दोही उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं देती है और कहती है, वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम किलर को देखते हैं, उसके पास दोही के सभी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीन में हम गुओन को मिस सॉय के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां मिस सॉय गुओन को अपने साथ ट्रिम ड्रिंक के लिए पूछती है। उसके बाद हम माफिया के बॉस को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि अभी तक उन्हें गुओन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती है। तभी वहाँ एक वेटर फ्रूट्स लेकर आता है, तब बॉस को उसके नीचे एक एम्बलप मिलता है, जिसमें दोही और गुओन की फ़ोटो होती है, साथ ही पीछे गुओन का इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है। वही वो वेटर वही किलर होता है। उसके बाद हम उसी इंसान को देखते हैं, जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता है। वो मैडम जू के शेयर में बैठा था, और यहाँ वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है, जहाँ मैडम जू उसे डांट रही होती है, और उसी ने ही मैडम जू के मेडिसिन को भी चेंज किया था। उसके बाद हम दोही को देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि फुटेज के कुछ पार्ट को काटा गया है। उसके बाद हम दोही गुओन को उन तीनों एम्प्लॉय के साथ देखते हैं, जहां वो लोग ड्रिंक के लिए आए होते हैं। वहीं वो तीनों दोही की वजह से अकवर्ड फील कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ड्रिंक बनाने लगते हैं। वहीं गुओन ने दोही का हाथ पकड़ा होता है, जो शॉय देख लेती है, और उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद एक एम्प्लॉय गुओन से पूछता है, तुमने दोही के प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया, क्या तुम्हें दोही पसंद नहीं है? तब गुओन कहता है, मैं दोही को लाइक करता हूँ, लेकिन लाइक करने से ही थोड़ी ना मैं शादी कर सकता हूँ, जो सुन के दोही को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद दोही बहुत गुस्से से बाहर आती है, गुओन भी आता है, लेकिन दोही उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब गुओन भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं जब वो वापस दोही के पास जाने लगता है, वहाँ माफिया के बॉस और उसके लोग आ जाते हैं। तब गुओन उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे फिर से घेर लेते हैं, और वो गुओन के सर में मारते हैं, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ दोही आ जाती है, और वो एक गन निकालती है, जो रियल में पेपर स्प्रे होता है, और वो भागकर गुओन के पास जाती है और उसे अपना हाथ देती है, जिससे गुओन ठीक हो जाता है, और वो पावर से उन्हें डांस कराता है, साथ ही खुद भी दोही के साथ डांस करते हुए सभी को मारता है। वहीं किलर ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। गुओन और दोही डांस करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड एंड होता है, और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।